तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ये आपका लास्ट क्लास में हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में और ये सब सारा सब कुछ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम लोग ये ट्राइज किए थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स, शिफ्टिंग डिजिट्स, डिजिट को शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा। जैसे ये एक एग्जांपल दिया है, हम इस बुक में ही आपको समझा देते हैं। 795, ये जो आपको पता है कि ये तो आपका ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है। तो वंस टेंस हंड्रेड, तो ये वंस प्लेस वाले को हंड्रेड वाले पर ले गए और हंड्रेड वाले को वंस वाले प्लेस पे लाए, तो क्या हो गया। ये देखिए 795 है, 795, और ये क्या है 597। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है ही नहीं। ये यहां पर 5 हो गया और यहां पर ये 7 है, तो ये कौन सा नंबर छोटा है, 795 कि 597? ये छोटा है ना, ये स्मॉलर हो जाएगा और ये लार्जर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग 10,000, 10,000 के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब कुछ नहीं है, सब तो आप लोग बचपन में सब कुछ जानते हैं। देखिए आप बताइए स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है? जीरो, होल नंबर, होल नंबर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, वन डिजिट होल नंबर। और फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, तो वन लगा करके उसमें एक जीरो लगा देंगे, ठीक। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा ना। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, होगा कि नहीं, 1000, 1000, है ना। उसी तरह स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर 10,000, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ये चार जीरो ना, तो वंस, आप लोग वंस टेंस हंड्रेड जानते हैं ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और ये 10,000, ये टोटल ये क्या हो गया 10,000, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और 10,000, समझे, स्मॉलेस्ट हो गया। अगर आप ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट में, ग्रेटेस्ट वाले में तो कुछ नहीं, वन जीरो कुछ लगाना ही नहीं है। ग्रेटेस्ट वन डिजिट, वन डिजिट का नंबर क्या होगा, तो 9, और ग्रेटेस्ट टू डिजिट का नंबर क्या होगा, तो 9, 9, दो बार 9 लिख दीजिए। ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट का नंबर क्या होगा, तो 9, 9, 9, थ्री बार 9 लिख दीजिए। फोर डिजिट पूछे तो चार बार 9 लिख दीजिए। अब इसका जो है आपको नाम तो पता ही है ना, और पांच बार पूछे तो फाइव डिजिट का नंबर पूछे तो 5 times 9 लिख दीजिए, है ना। लेकिन इसका नंबर नेम तो लिखना पड़ेगा ना आपको। अब देखिए, अब हम इसको, इसका नंबर नेम बताते हैं। ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 99, ये क्या है वंस टेंस हंड्रेड, तो 999। अब ये क्या है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो आप पेंसिल से इसके ऊपर लिख भी सकते हैं अगर जिसको अगर नहीं आता है, तो वंस टेंस हंड्रेड और ये थाउजेंड, तो क्या पढ़ेंगे 9999। टेंस वंस को हम लोग 9, 10, 1, 9 वंस ऐसे नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते थे 99, क्योंकि 100 तक तो आपको गिनती आता ही है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, 11, 12, फिर उसके बाद फिर 21, फिर 22, फिर ऐसे करके, फिर आपका 31, 32 ऐसे करके, मतलब 31 लिखा तो 31 बोलते हैं हम लोग, 3 tens 1 ones ऐसे तो बोलते नहीं है, 33 लिखा है तो हम लोग 33 बोलते हैं, इसको ऐसे थोड़ी बोलते हैं, 3 tens और 3 ones, है ना। 4, 5 लिखा है तो इसको 45 बोलते हैं, 4 tens और 5 ones ऐसे तो बोलते नहीं। तो वो जो आप 100 तक तो आपको गिनती पता ही है, तो मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 एक लाइन हो गया, फिर 11, 12 फिर एक हो गया, फिर उसके बाद 21, 22 हो गया एक, फिर 31, 33 हो गया, मतलब 31, 32, ये सब सारा ऐसे करते करते 9, 9, 9, 99 बोलते हैं ना, तो दो डिजिट रहता है तो हम लोग उसको फिर ऐसे 1, 1, 2, 3, 4 जैसे पढ़ते वैसे पढ़ा जाता है ना। तो लेकिन ये जो 100 वाला है तो इसमें तो सिंपल है 900, ये है ना। तो नंबर नेम लिखने भी आप लोग बचपन में सीखे हैं सारा सब कुछ, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे नंबर नेम लिखने के लिए,
प्लेस वैल्यू पहले देखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे मान लीजिए 752 दिया है, 752 ये क्या है, ये कौन सा प्लेस है? वंस ये कौन सा प्लेस है? टेंस। और ये कौन सा प्लेस है? हंड्रेड। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा इस सेवन का? इस सेवन का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ऐसा 700। जो आप नाम बोलते हैं ना वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। 700 बोले तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 700। ये इसका क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 510 है ना कि 50 बोलते हैं ना इसको, इसको क्या बोलते हैं? 52 बोलते हैं ना। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? इस 5 का अगर प्लेस वैल्यू पता करना है तो ये 50 हो जाएगा, है कि नहीं? इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2, है कि नहीं? तो प्लेस वैल्यू का मतलब उस प्लेस का वैल्यू। जैसे 89469, तो 89469 इसमें इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है और इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? आप यहां पे 1s 10s 100 लिख दीजिए, 1s 10s 100 1000 और ये 10,000। इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 89,469, ये 80 हो गया और ये 9 हो गया तो 9,000। अब ये 1000 प्लेस पर है ना, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 9,000, है कि नहीं? ये 1000 प्लेस पर है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 9,000। ये 10 प्लेस पर है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 60, समझे? तो यही है, तो इस तरीके से करना है तो ऐसे प्लेस वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे इस ट्राई दिस पेज नंबर 6 में ये नंबर लिखे हुए हैं। अब इसका नंबर नेम लिखना है और इसको एक्सपैंड भी करना है। एक्सपैंड कैसे करना है? ऐसे एक्सपैंड मत करिएगा, हम बताते हैं आपको कैसे एक्सपैंड करना है। ये रीड एंड एक्सपैंड द नंबर्स वेयर एवर देयर आर ब्लैंक्स, एक्सपैंड करना है, समझे? आप इसका एक्सपेंशन अपने से लिखिएगा, हम आपको बता देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा है देखिए बुक में 2000, है ना, यानी कि 4 times 0 यानी कि 20,000 हो जाएगा ना जी। अरे देखिए 2000, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000, है कि नहीं? तो 10,000 है। अब आपको इसको इसका नंबर नेम लिखना है, तो 10,000 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो 10,000 यानी कि 10,000 जब रहता है ना, 10,10,000 कुछ ऐसा रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं, 2 को मिला देते हैं, ये मिला करके क्या हो जाएगा? 20। देखिए बेसिक चीज देखिए, मतलब इसको आप क्या करिएगा, देखिए आपको हम एक चीज बता देते हैं कॉमा लगाने के लिए। 2546 दिया है, 2546 है तो सबसे पहले 3 digit के इधर से 3 digit काउंट करिए, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। और कॉमा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमा के बाद यहां पर कुछ भी तो नहीं है, बस 2 है, तो 2546, 1s 10s 100 और 1000, तो 2546। और मान लीजिए कि ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, 3 digit के पहले कॉमा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि कॉमा के बाद ये दो एक साथ में है ना, इसको एक साथ पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 29 पढ़ेंगे ना, 1 2 3 पर आता है ना आपको, तो इनको एक साथ क्या पढ़ेंगे, 29 को क्या पढ़ेंगे, 29, तो 29,000 इसका नाम हो जाएगा 29,986, समझे? ऐसा करके तो ऐसे ही, जैसे आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, ये ऐसा है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 डिजिट के पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे तो, और ये इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 52, क्या होगा ये 52, 52 क्या, ये 1s 10s 100 है, 1s 10s 100 और ये 1000 और ये 10,000, तो 10,000 और 1000 दिया है तो इन दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा,
10,000 और मतलब 1,000 के बाद फिर 10,000 पे भी कोई अगर नंबर है तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो 52,000 क्या 686, समझे 686, समझे ये ऐसे करके। वैसे ही अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा नंबर है, थोड़ा और बड़ा नंबर है, अभी तो आपको ये 10,000 तक ही बताया है, फिर आगे में जाकर के और दूसरा बताया है, तो इसमें आप लोग 10,000 तक का करिए। इसमें जो है अच्छा, इसको एक्सपैंड करने के लिए अब हम बता रहे हैं, एक्सपैंड करने के लिए हम आपको बताने वाले थे ना। एक नंबर है ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका एक्सपेंशन कुछ करना थोड़ी है, बस ये 20,000 लिख देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 58964 ऐसा दिया है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ये 5 लिखिए, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ये क्या 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, मतलब 50,000। फिर ये 8 लिखिए, प्लस लगा दीजिए, यहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म इसको बोलते हैं, प्लस लगा दीजिए, प्लस के बाद 8 लिखिए, 8 है ना, तो 8 लिख दिए, 8 के बाद 1 2 3 3 0 है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 3 0 लगा देंगे। फिर प्लस, अब ये 9 को लिखिए, ठीक है, प्रोसेस बाय एक मतलब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ये 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो ये 900 यानी कि 900 है कि नहीं। फिर प्लस ये क्या है, 6 है, तो 6 को क्या लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, 6 के बाद एक डिजिट है तो 10 लगा देंगे, 60 है कि नहीं। फिर प्लस 4, प्लस ये 4 ऐसे लिखना है, बस समझे, ऐसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कुछ करना थोड़ी है। अब आपको एक दूसरा कुछ कोई क्वेश्चन बताते हैं, 65740 तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू ये जो 6 है, बुक में थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, लिखा है 6 इंटू, फिर ये 10,000 करिए, फिर 5 इंटू करिए, लेकिन इंटू कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, बस ये 6 लिखिए, और 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 40 हो जाएंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 60,000। फिर प्लस, अब ये 5 लिखेंगे, 5 लिख करके 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 30 लगा देंगे, ये हो गया 5,000। फिर ये क्या है, प्लस लगा कर, फिर ये क्या है 7 लिख दिए, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 20 लगा दिए। फिर प्लस, फिर ये 4 है, तो 4 लिख दीजिए, है ना, 4 लिख करके, फिर 4 के आगे एक डिजिट है तो 10 लगा दिए। फिर प्लस ये 0, तो 0 प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, समझे, तो ऐसा करके ऐसे बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, इन सब को अपने से, ऐसा नहीं जैसा अभी हम बताएं वैसा, तो ये नंबर नेम भी लिखना है और एक्सपेंड भी करना है। नंबर नेम लिखने के लिए अभी बता ही दिए, है ना, और फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये भी क्वेश्चन है, ये भी है, ठीक है, इसको आप लोग बनाइए। लिखा है राइट 5 मोर 5 डिजिट नंबर, रीड देम एंड एक्सपेंड देम, 5 अपने से, अपने अपने से, ये लास्ट क्वेश्चन ये दिया है कि राइट 5 मोर 5 डिजिट नंबर्स, रीड देम एंड एक्सपेंड देम, 5 नंबर्स और लिखने हैं 5 डिजिट के, ये सारे के सारे 5 डिजिट के है ना, और 5 नंबर और लिखना है, फिर उनको पढ़ना भी है, मतलब पढ़ने का मतलब ये नंबर नेम भी लिखना है और साथ में उनको एक्सपेंड भी करना है, ठीक है, इसको करिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 लाख के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।